और पैसा इतनी है कि हमारी रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई 12 तारीख में। जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं माता और बहनों का अपमान नहीं कर सकता हूँ, तो जब उनको बेइज्जत करने के लिए धक्के देंगे तब हम लोग लड़े उठे और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत कल आ जाए, लक्ष्य दिमाग में है। साहब काशीराम ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मिशन को स्वीकार किया कि आज मेरे पास लक्ष्य आ गया है, पूरी जिंदगी काटने का, पूरी जिंदगी गुजारने का, तो मेरे पास लक्ष्य, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होने वाला है। मैं लड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और इतनी मजबूती से लड़ूंगा कि मनुवाद की जड़ उखड़ जाएगी। हमारी बहने यहाँ है और हमें गर्व है कि वो केरल से, वो महाराष्ट्र से अपना काम छोड़ के साहब काशीराम के बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आई है। जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बिना बाबा साहब अधूरे, उसी प्रकार माननीय तीना महान वाल्मीकि के बिना साहब काशीराम अधूरे हैं, तो तीना महान वाल्मीकि को भूल के काम नहीं चलेगा। ये समझना पड़ेगा मेरी जिम्मेदारी है बहुजनों को एकजुट करना, पूरे दलित समाज की सभी जातियों को, ओबीसी समाज की सभी जातियों को और अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना, आदिवासी भाइयों को एकजुट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं निभाऊंगा। और आज हम लोग शपथ लेंगे, मैं अपनी तरफ से शपथ ले रहा हूँ, आप लोग सहयोग करें कि जब तक जिंदा है बहुजन समाज और बहुजन मिशन के नाम किसी अन्य चीज से समझौता नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरे देश से जिन लोगों को बहुजन समाज की पीड़ा है, जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ आए, दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए और मैं ये भी जानता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मैं, ये जो हजारों लोग देख रहा हूँ, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन, और साहब ने कुछ आदर्श स्थापित किए और ना बिकने वाला सामान दुनिया का कोई भी लोभ लालच हमें खरीद नहीं सकता, ऐसा समाज बनाने की परिकल्पना साहब काशीराम ने। क्या युवा बिकाऊ है? नहीं। क्या तुम्हें कोई खरीद सकता है? नहीं। क्या अंबेडकर का झुक सकता है? नहीं। आपको समझना पड़ेगा, मैंने एक सवाल किया अखिलेश भाई से और तुम्हारी कीमत देखो कितनी कम लगाई अखिलेश भाई ने। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आपने हमारा बिल फड़वाया, दलित कर्मचारियों को आपने 58,000 डिमोशन किए, आपने हमें ये बताया कि आप हमारे बिल के विरोध में हो, और आज मैंने सवाल किया कि कल अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, तो क्या हमारे बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने मदद करोगे नहीं करोगे? आप समर्थन करोगे या नहीं करोगे, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। पहले सवाल तो सुनो, 79 सीट पे यूपी के अंदर हमने गठबंधन को समर्थन किया, तुम चाहते हो मैं वहां से मोदी को जीतने दो? तुम चाहते हो उसे हराने के लिए मैं वहां जाऊं? तुम चाहते हो कि मोदी संसद में ना जाए? मदद करने के लिए आओगे?